हेलो एवरीवन, आप सभी देख रहे हो आम का प्लांट और ये आम का जो फूल लगे हुए हैं इसमें जो ढेर सारे मंजर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इसकी जो मैंने कटिंग कर देना चाहिए। अगर आप भी शौकीन हो, ग्राफ्टेड प्लांट लगाए हुए हो और अगर आप चाहते हो कि जल्दी से आम मुझे मिले, मैं आम खाऊं, तो आम के शौकीन हो तो आप मेरे जैसे प्लांट आप ज़रूर लगाओ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सी वैरायटी है जिसमें मतलब इतने छोटे सी प्लांट में ही इतने अच्छे फूल और फल लगे हुए थे जिसकी मैंने कटिंग कर दी, और क्यों कटिंग की मैं यही बताने के लिए आज वीडियो बनाई हूँ। और मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप सभी देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे मंजर आए थे। तो ये जो वैरायटी है ये ऑल टाइम मैंगो है, बारहमासी आम कहते हैं इसे। तो इसमें जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो इसकी ग्रोथ मतलब ये बहुत छोटा था और इसके जो मतलब इसमें ना भी मंजर वगैरह कुछ भी नहीं थे, और इसमें जो इसकी जो तना जो थी ना वो कम पतली सी थी, कमज़ोर थे। और इससे जब मैं लेकर आई तो एक महीने के बाद ही इसमें फूल आ गए। और इसमें जो पॉलीथीन लगे हुए थे, ग्राफ्टेड प्लांट है तो उसमें लगे हुए ही रहेंगे तने में, तो मैंने उसे हटाया। और जैसे मैंने उसे हटाया तो उस प्लांट की ग्रोथिंग बहुत अच्छी हुई और ये मोटे तने हो गए और इसमें जल्दी से फूल भी आ गया। कई लोग होते हैं कि भूल जाते हैं उसे हटाना, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर, पौधा जैसे सेट कर जाए तो आप उसे हटा दो और उसे मिट्टी के ऊपर, ग्राफ्टेड वाला जो पोर्शन है उसे मिट्टी के ऊपर आप रखो। जब भी गमले में लगाते हो उसे मिट्टी के नीचे नहीं, उस ग्राफ्टेड वाले एरिया को नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपका प्लांट बेकार हो जाएगा, सूख जाएंगे प्लांट। तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखो कि प्लांट जो है, जब ऐसे तो मिट्टी में लगे हुए प्लांट के लिए उतना नीड नहीं होता केयर, बट ऐसे आप गमले में आम लेना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, बहुत केयर करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे प्लांट में इतने सारे आम आए थे कि टहनियां झुक गई थी। और आप सभी को पता ही होगा कि आम में जो होता है, जितने ब्रांचेस होंगे, जितनी टहनियाँ होंगी, उतने में ही फूल आएंगे, मंजर आएंगे, फल आएंगे। इसलिए आम के प्लांट को घना होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट घने हो जाते हैं तो उतनी सारी ब्रांचेस होंगी तो उतने सारे फल आएंगे। आप देखो इतने बड़े बड़े आम आए थे, बट मैंने इसकी कटिंग कर दी। और जो मैंने कटिंग की है वो सितंबर का स्टार्टिंग महीने में किया था। तो फिर मैंने सारे आम तोड़ लिए, बहुत सारे आम थे जिसकी वजह से मुझे ब्रांचेस को बांधना पड़ गया था। दोनों ब्रांचेस को मैंने बांध दिए थे, नहीं तो टहनियाँ टूट जाती। और जब भी फूल आए ना तो कटिंग आप ज़रूर करो। फर्स्ट टाइम नर्सरी से लाने के बाद जो पहली बार फूल आए ना, मंजर आए, तो उसे आप कट कर दो ताकि आपके जो प्लांट है ना वो सही तरीके से फल दे सके और वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, परिपक्व हो जाए, तब जा कर के आपके प्लांट में सही तरीके से फल आते हैं। इसलिए उसे फूल होने से ही कट कर देना चाहिए। आप देख रहे हो फल आ गए थे, मैंने नहीं कट किए थे, ये मेरी मिस्टेक थी, अब मैंने इसे कट कर दिए और फल पकने के पहले ही मैंने कट किए हैं। आप सभी ने देखा कि मेरे जो फल थे वो बिल्कुल पके नहीं थे। तो सितंबर के स्टार्टिंग में सही टाइम है इसके कटिंग की, और मैंने सारे प्लांट की कटिंग की है, अमरूद की, नींबू की, सबकी कटिंग की है। और जिससे क्या होता है ना, आप जब गमले में लगाते हो तो उसकी जो ग्रोथिंग होगी ना वो सही तरीके से हो, प्लांट हाइट कम में ही घने हो जाए तो बेटर होता है, क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा होगी तो वो सही तरीके से फल भी नहीं आएंगे और उतनी मिट्टियाँ हमारे पास होती नहीं है गमले में। तो पॉट में जो होता है ना, इसमें टाइम टाइम में आपको फर्टिलाइज़र का भी ध्यान रखना पड़ता है, टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ते हैं। आप देख सकते हो मैंने दोनों ब्रांचेस को कट कर दिए और इतने सारे आम भी मुझे मिले। तो मैंने इसके कटिंग करने के बाद जो इसमें जो कुछ लगाया है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आपके प्लांट
बहुत ही हेल्दी वेल्दी रहिए। आप देख सकते हो एलोवेरा का जो जेल है उसे मैंने कट करके इसे लगाया है। उसके पीले हिस्से को आप हटा करके ही एलोवेरा के जेल को यहाँ पर ऐड करना, ताकि जो कीट पतंगे होती हैं जो कि मतलब वो सब इस प्लांट को में आ जाए, तो उससे क्या होता है ना, प्लांट आपके बेकार हो सकते हैं, सूख सकते हैं। ये एक दवा का काम करता है और प्लांट को ग्रोथ करने में ये हेल्प करता है, ये एलोवेरा। आप देखो मेरे प्लांट में जो नई पत्तियाँ आई, नई ब्रांचेस आए हैं, तभी हमारे जो प्लांट में जो दिखा रही थी आप लोगों के सिर्फ दो ही ब्रांचेस थे, अब इसमें आप देख रहे हो एक ब्रांच में लगभग 5 या 6 ब्रांचेस आ गए हैं। इस तरीके से मेरे दोनों ब्रांचेस में लगभग 10 या 12 ब्रांचेस आ गए हैं, इतनी सारी टहनियाँ हो गई हैं और हाइट इतने कम में इतने घने प्लांट हैं। तो उम्मीद है कि इस बार जब इसमें फल लगेंगे तो ढेर सारे फल लगेंगे और ये मेरा प्लांट भी स्वस्थ हो गया। इसमें मैं टाइम टाइम पे स्प्रे करती हूँ कीटनाशक दवाइयों का, और कौन सी कीटनाशक दवाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, और हेल्दी वेल्दी मेरा ये जो पौधा है मैं इसे देखकर बहुत खुश रहती हूँ, इसका केयर करती हूँ, इसमें गोबर की खाद डालती हूँ मार्केट से ला करके, नर्सरी से लाती हूँ, और इसमें खल्ली जो होता है ना खल्ली, वो उसकी खाद को डालती हूँ, फिर चूना का पानी डालती हूँ टाइम टू टाइम। इसमें मैं कब क्या डालती हूँ मैं दूसरी वीडियो में आप सभी को ज़रूर बताऊँगी। तो अभी मैंने सिर्फ कटिंग के लिए बताया था कि अगर आप पौधे की कटिंग करते हो तो घने भी होते हैं और आपके जो पौधे होते हैं ना वो हेल्दी हो जाते हैं, उसमें वो घने हो जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। ये अमरूद है, मैंने इसके भी कट किए हैं और इसमें ढेरों फूल आए हुए हैं, इसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। और नींबू भी बहुत सारे आए हुए थे, तो मैंने क्यों कट किए ये आप लोगों को मैंने बताया। और उसमें ज़रूर से ज़रूर आपको ऐड करना है एलोवेरा, जिससे आपके प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी वेल्दी रहेंगे और घने हो जाएंगे। इससे आपकी कीटाणु जो होते हैं वो आप नुकसान